स्वागत है आपका स्पेशल टूल सीरीज के नए वीडियो में। वीडियो के इस भाग में जानेंगे फिलर गेज क्या होता है। फिलर गेज एक मेजरिंग टूल है जिससे गाड़ियों के छोटे से छोटे पार्ट्स जैसे सिलेंडर और पिस्टन रिंग के बीच का क्लियरेंस और स्पार्क प्लग के बीच का क्लियरेंस यानी गैप को मेजर किया जा सकता है। ये टूल को स्टेनलेस स्टील प्लेट से बनाया जाता है जिसमें इस हिस्से को बॉडी और इस हिस्से को ब्लेड यानी गेज कहते हैं। बॉडी ब्लेड्स को प्रोटेक्ट और गेजेस को जोड़कर रखती है और ब्लेड्स गैप को मेजर करते हैं। वैसे तो जरूरत के हिसाब से फिलर गेजेस कई प्रकार के आते हैं लेकिन सबको इस्तेमाल करने का तरीका एक ही होता है। हम आपको स्ट्रेट लिफ्ट फिलर गेज पर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। स्ट्रेट लिफ्ट फिलर गेज में दो प्रकार की ब्लेड्स आती हैं, 100mm और 200mm। 100mm में 13 ब्लेड्स होते हैं और 200mm में 26 ब्लेड्स होते हैं। अब इस गेज की मदद से पिस्टन रिंग के गैप को मेजर करते हैं। छोटे साइज के ब्लेड से शुरुआत करेंगे, साथ ही ब्लेड का साइज बढ़ाते जाएंगे। जो ब्लेड इस गैप से आसानी से ना निकले उस ब्लेड से पहले वाली ब्लेड ही पिस्टन रिंग का क्लियरेंस है। इसमें हमें 0.004 इंचेस यानी 0.10 mm का क्लियरेंस देखने मिल रहा है। इसी प्रकार व्हीकल की इंजन ऑयल पंप और इंजन टैपेट का क्लियरेंस चेक किया जा सकता है। फिलर गेज का इस्तेमाल करने से पहले सर्विस मैनुअल में कंपोनेंट की सही रीडिंग की जांच कर ले। अब हम स्पार्क प्लग के बीच का क्लियरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले छोटे साइज के ब्लेड से शुरुआत करते हैं और फिर ब्लेड का साइज बढ़ाते जाएंगे। जो ब्लेड इस गैप से आसानी से ना निकले उस ब्लेड से पहले वाली ब्लेड ही स्पार्क प्लग का क्लियरेंस है। ब्लेड्स पे दो यूनिट्स में नंबर दिए हुए हैं। इस ब्लेड पर 0.024 इंच लिखा है और 0.60 mm लिखा है। इसका मतलब क्लियरेंस 0.024 इंचेस यानी 0.60 mm का है। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक और नए स्पेशल टूल के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।